लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितने लोग अरबपति बने हुए हैं ना, इन्होंने जिंदगी में कम से कम एक छक्का जरूर मारा है किसी वक्त, कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा मामला किया है और वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस हुआ और अब मामला चल पड़े। वरना हलाल के माल में साथ साथ ज़कात निकालें तो मुश्किल होता है कि इस बड़े लेवल पे इंसान पहुंच जाए। पहुंच सकता है लेकिन बहुत कम। फिर जाहिर है कि इंसान को आखिरत की फिक्र भी होती है। मैं बिल्कुल वो सूफियों वाली बात नहीं कर रहा कि जनाब आप जो कुछ माल है तो वो मौलवी साहब के हवाले करके ताकि उनके बच्चे वो याशी करते रहे और आप खुद बैठ रहे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूं जिस चीज का जितना रेशो प्रोपोर्शन है उतनी एफर्ट उसके अंदर पुट करें। लोग तीन तीन नौकरियां करते हैं, जब उनको कहा जाए कि कुरान एक सफा तर्जुमे से पढ़ने, कहते टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे भाई टाइम इसी टाइम में से आपने टाइम निकालना, अपना टाइम टेबल बनाए, रेशो प्रोपोर्शन में चीजों को डिवाइड करें।